टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम दीवा के रेलवे स्टेशन रोड पर और आपको बता दें आज यहां पर बेमुद्दत कुपोषण पर जो है यहां पर हड़ताल किया जा रहा है। लोग कुपोषण पर बैठे हुए हैं। दरअसल रास्ता रुंदीकरण की वजह से जो है यहां पर 2 से 3 इमारतें या और भी संख्या में यहां पर जो है इमारतें तोड़ी जानी है और जिसकी वजह से लोग बेघर हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें यहाँ जो दीवा स्टेशन रोड है यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से ये ब्रिज जो है बनाई जा रही है और इस ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान इसमें जो इमारतें सामने आ रही हैं उसे तोड़ने के लिए जो है कहा गया है, जिसके लिए यहाँ पर आज तमाम रहवासी जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि रास्ता रुंदीकरण के नाम पर जो है इमारतों को ना तोड़ा जाए। कुछ यहाँ पर जो है विरोध करने के लिए जो लोग मौजूद है आदेश भगत मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज यहाँ पर आप लोग बेमुद्दत कुपोषण पर बैठे हैं, खासतौर पर जिस तरह से ये ब्रिज का देखा जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, इसमें कई इमारतें भी आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? दरअसल ये जो ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और ये रास्ता वाइंडिंग का काम किया जा रहा है, इसको किसी भी इधर के जो रहवासी हैं इनका विरोध नहीं है। इन रहवासियों का विरोध इसलिए है कि महापालिका जिस तरीके का रवैया इनके खिलाफ कर रही है, उनके खिलाफ ये आज उपोषण के लिए बैठे हैं। वास्तविक इस सभी रहवासियों की मांग है कि इनको इतना बड़ा यहाँ पे रास्ता मौजूद है, अगर यहाँ पे जो बेकायदा बैठे हुए अगर ठेले वाले हैं, रिक्शा स्टैंड है जो बेकायदा यहाँ पे लगाया जाता है और बेकायदा जो पार्किंग है वो अगर हटाई दी जाए तो यहाँ पे बड़ा रास्ता है, तो ये होने के बाद यहाँ पे रास्ता रुंदीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये उन सभी रहवासियों की मांग है कि आप पहले से पूरे सब रास्ता है जो क्लियर करें। और दूसरी मांग है कि जिस क्लस्टर में ये सब रहवासी आते हैं उस क्लस्टर की प्रक्रिया महापालिका तुरंत शुरू करे। जैसे कि महापालिका ने थाना में तकरीबन 10 जगह पे ये क्लस्टर की प्रक्रिया शुरू की है, तो इन रहवासियों की यही मांग है कि यहाँ भी क्लस्टर ये सब क्लस्टर पात्र हैं और यहाँ भी क्लस्टर की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, इसकी वजह से ये लोगों को यहाँ पे रूम मिल सकता है। ये रहवासियों की मांग है, लेकिन महापालिका पिछले 3 साल से यहाँ पे कोई इनके मांगों पे ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए सभी रहवासी आज आखिर में यहाँ पे बेमुद्दत उपोषण के लिए बैठी है। अच्छा, रास्ता रुंदीकरण में कितनी इमारतें आ रही हैं और कितने परिवार हैं इसमें? ये रास्ता रुंदीकरण में तकरीबन 22 बिल्डिंगें यहाँ पे बाधित हो रही है और उसमें कुल 320 से ज़्यादा ये परिवार है इसमें ये बाधित हो रहे हैं, और ये बाधित हो रहे वो परिवार जी उनके बच्चों की फैमिली की जो बच्चे हैं वो यहीं पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बाकी अन्य परिवार है जो यही नज़दीक स्टेशन है यहाँ पे वहाँ से वो अपने जॉब के लिए जाते हैं, तो यही सभी रहवासियों की मांग है कि इतने हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम इतने स्टेशन के करीब है तो हम पे यहाँ पे कार्रवाई न करें। अगर आप किधर तो कार्रवाई करके हमारा पुनर्वसन की कभी कहीं लंबी जगह पे करेंगे तो उधर से आने जाने का जो भाड़ा है वो ये लोगों को परवड़ेगा नहीं, इसलिए ये विरोध में आज यहाँ पे उपोषण कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ हम आए तो हमें जानकारी मिली कि ये ब्रिज जो है यहाँ पर क्रॉस तरीके से बनाई जा रही है, अगर ये सीधा बनती तो इमारतों को तोड़ा नहीं जाता, ऐसी जानकारी आ रही है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा है वो सीधा है या क्रॉस है, यहाँ पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हमारी ये मांग है पहले तो यहाँ ब्रिज नहीं होना चाहिए। ब्रिज के लिए आप पूरे सेंट्रल रेलवे में आप कहाँ भी जाओगे किसी भी स्टेशन के ऊपर से यहाँ पे कभी ब्रिज हुआ नहीं है। प्रशासन का ये सोचना रहता है अगर आप स्टेशन परिसर में अगर आप उड्डान पुल बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारा कंजेशन निर्माण हो सकता है और वहाँ ट्रैफिक की समस्या भविष्य में और बढ़ेगी, इसलिए पूरे सेंट्रल रेलवे में आप किधर भी देखेंगे कि स्टेशन के ऊपर से कोई उड्डान पुल नहीं है। लेकिन महापालिका और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उनकी सोच क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, और इन्होंने यहाँ से ही वो ब्रिज लिया है और जो ब्रिज लेते समय उन्होंने उसकी जो मतलब वो लिया है वो क्रॉस लिया है, जिसके चलते जो यहाँ पे बरसों से रह रहे वो रहवासी यहाँ बाधित हो रहे हैं और जिनके ऑफिसेज जो पक्ष के ऑफिस है वो बच रहे हैं, तो सभी रहवासी सोच रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया है क्या, ये सोच सभी रहवासियों के बीच में है। अच्छा, इनका कहीं पुनर्वसन का बंदोबस्त भी किया गया है? नहीं, बिल्कुल, इन सभी रहवासियों का पुनर्वसन यहाँ से एक 8-9 किलोमीटर जो पडले गाँव है उधर वहाँ पे पुनर्वसन महापालिका कर रही है,
लेकिन वहाँ पे आप देखा जाए तो कौन सी भी सुविधा वहाँ पे नहीं है, वो एक तरीके का जंगल है, जंगल में वो बीयूसी का प्रकल्प वहाँ पे बनाया गया है। उधर से ना आने जाने के लिए ना बस स्टैंड है ना रिक्शा स्टैंड है, लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। लोगों को अगर दीवा में आना है तो लोगों को डोंबिवली में जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से घूम के एक 150-200 रुपया खर्चा करके दीवा में आके फिर स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर जॉब पे जाना पड़ेगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि निर्माण कार्य तो यहाँ पर शुरू भी हो गया है और आप लोग जिस जो मांग लेकर यहाँ पर हैं, अगर ये मांग आपकी नहीं पूरी होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? नहीं, अगर हम 3 साल से हमारी मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं, अगर हमारी मांग यहाँ पे काम तो चालू है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि पिछले 3 सालों से हम जिस प्रकार लड़ रहे हैं तो उस वो लड़ने की वजह से ये जो रुका हुआ काम है वो हमारे लड़ने के वजह से ही है। अगर भविष्य में हम लोगों को विचार में नहीं लेता प्रशासन, हाँ अगर ये सभी रहवासियों को क्लस्टर में लाया जाता है और भविष्य में जल्दी ही क्लस्टर यहाँ पे किया जाता है तो हम जल्दी ही हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी हुई है। करके आपकी भी यहाँ पर दुकान है, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज उपोषण पर लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका और इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? मेरा नाम पंचम डगे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन से लेकर दीवा सर्कल तक यहाँ पे 22 इमारतें को TMC ठाणे महानगर पालिका ने नोटिस दिया हुआ है कि आपके बिल्डिंग ये रोड कटिंग में आने वाले, रोड वाइंडिंग के अंदर आपको हम काट रहे हैं। पर हमारा मानना ये है कि ऑलरेडी ये जो रोड है ये ऑलरेडी सफिशियंट है, हमने खुद हमारे पैसे से लागत से हमने ये रोड का पूरा 1-1 इंच हमने नापा हुआ है, तो उसमें कम से कम ये 60 फीट का अभी रोड है, 60 कहीं कहीं 75 से 80 भी है, ऐसा नहीं कि हर जगह एक है, तो इतना बड़ा रोड ऑलरेडी है, तो इसकी वजह से आप और को और इतना बड़ा रोड क्यों बनाना है? वो लोग कहते हैं आपको एक 45 मीटर का मतलब लगभग 135 फुट का रोड बनाना है, इतना बड़ा तो एक एक्सप्रेस का हाईवे भी नहीं होता, इतना बड़ा दीवा में क्यों बनाना है इनको? इतने लोगों को बेघर क्यों कर रहे हैं? इतने गाले वाले को, व्यापारी को नुकसान क्यों कर रहे? मुझे ये समझ आया। कोरोना काल आप बोलते हो, कोरोना काल ये सिर्फ खाली नगर पालिका वाले लोग, आम लोगों को नहीं है क्या? आप मुझे ये बताए, आप जब बोलते हो क्या कोरोना काल में आपको, हम लोग को आज एक्चुअली वो लोगों ने परमिशन भी नहीं दिया है। अरे परमिशन नहीं दिया, आप आते हो हमारे दरवाजे में नोटिस, बिना नोटिस लिए, हमारे पास उसकी वीडियोज़ भी है, आप बिना नोटिस लिए आप बोलते हो नहीं खाली करो ये करो, तो आपके लिए नहीं, आप हमको बेघर करोगे वो चलेगा? कोरोना पीरियड में हम लोग फिर ये आंदोलन को बैठेंगे, ये कौन सी तरफ से लीगल वे से नहीं है? आप लोग हमारे से सही से व्यवहार करो, आप हमारे से बातचीत करो, हम ज़्यादा कोई डिमांड नहीं, आप हमारी डिमांड में देख सकते हैं, हमारी एकदम छोटी छोटी डिमांड्स है क्या भाई, रूम के बदले दीवा में ही रूम दो। अभी ये सब लोग है, ये एक दीवा के रहीवासी है, ये स्टेशन से नज़दीक रहते हैं, इन लोग के स्टेशन सामने है, आप यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर, जहाँ से आने जाने का लगभग 100 से 150 रुपया खर्चा होता है, ये एक आम आदमी नहीं सह सकता, ये इनके हाथों के ऊपर पेट है इन लोगों के, ये दिन में ही कमाते 100-150 रुपया और आप बोल रहे हो कि आने जाने के लिए 100 से 150 रुपये दे दीजिए। यानी आपकी मांग है कि दीवा में ही घर, हाँ दीवा में ही घर चाहिए और दीवा में ही यही प्राइम लोकेशन पे हम लोग को दुकानें चाहिए, व्यापारियों को दुकान और रूम वालों को रूम। आप क्लस्टर आयोजित कीजिए, थाने दीवा भी एक थाने का ही एक विभाग है जो दीवा के लिए भी क्लस्टर लोग डेवलप कर सकते हैं, तो यही हमारी डिमांड है कि क्लस्टर लेके तो आइए। आपने सुना कि जिस तरह से जो मांग किया जा रहा है यहाँ के दीवा के रहने वाले लोगों का कि जो यहाँ पर काम किया जा रहा है रास्ता रुंधीकरण का, उसमें वो रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी मांग ये है कि दरअसल जो इनको पड़घा में इन्हें घर दिया जा रहा है वहाँ ना देकर इन्हें दीवा में इसी इलाके में इन्हें घर दिया जाए, ताकि जो सुविधाएं इनको मिलती हैं वो सुविधाएं इन्हें हम मिला करें। इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, दीवा।